नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रॉ विथ रमन में। तो चलिए रोज की तरह कुछ नया बनाते हैं। तो आज हम जो सीनरी बनाएंगे वो ये माउंटेन सीनरी है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने कलरफुल स्काई रखा है। तो सबसे पहले हम पानी लगा ले रहे हैं अपने स्काई एरिया में, और सिर्फ स्काई एरिया में नहीं, इस बार मैंने थोड़ा पेपर चेंज किया है। ये 300 GSM का कोल्ड प्रेस्ड पेपर है, तो मैं पूरे एरिया में ही वाटर अब पूरा यूज़ कर ले रहा हूँ, और इसके बाद हम स्काई शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने जो कलर लिया है वो कैडमियम येलो ह्यू है। आप इसके जगह कोई भी येलो कलर ले सकते हैं, लेमन येलो भी ले सकते हैं। और उसके साथ हमने पर्पल का टच दिया है। पर्पल का टच के लिए आपको पता है ब्लू के साथ आपको क्रिम्सन रेड मिलाना होगा, क्रिम्सन लेक जो कलर होता है। और उसके बाद हल्का सा हमने ऑरेंज कलर यूज़ किया है। जो मैंने यूज़ किया है वो कैडमियम रेड पेल ह्यू है। अब कलर है स्काई में एज इट इज़, हम लोग पानी चूंकि हमने डाला हुआ है तो वो अपने आप फैलेगा, तो उसको आप छोड़ दें, छेड़छाड़ ना करें। इसके बाद जो मैं यूजुअल यूज़ करता हूँ फॉर ट्री एरिया के लिए, वो है सैप ग्रीन कलर। तो सैप ग्रीन लेके मैं जो पीछे का ट्री एरिया है उसको मैं यूज़ करता हूँ। अभी ये चीज़ आप देखिए कि ट्री के साथ माउंटेन को मैंने टच नहीं किया है, एक हल्का सा वहाँ पर वाइट गैप रखा है ताकि वो फॉगी इफेक्ट थोड़ा सा वहाँ पर बना रहे। अब इसके बाद हम फिर से अपना येलो कलर ले लेते हैं जो कैडमियम येलो ह्यू है, और उससे हम जो हमारे सामने के ट्रीज़ हैं उनको मैं लेफ़्ट साइड में येलो करूँगा, क्योंकि हमको सन की रे लेफ़्ट साइड से दिखानी है, और राइट साइड में मैं उसे थोड़ा सा डार्क ग्रीन का टच दूंगा। तो मैं धीरे धीरे पहले येलो का टच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले लाइट कलर करूँगा और फिर उसको धीरे धीरे डार्क करूँगा। अभी दूर का जो हमारा ग्राउंड एरिया है उसमें मैंने दूर में येलो कलर यूज़ किया है, उसके बाद मैं सैप ग्रीन से उसको सामने की ओर ग्राउंड को धीरे धीरे करूँगा। आपको वाटर कलर में मैंने जैसे पहले भी बताया कि पेशेंस रखना है, एक बार में आप डार्क करने नहीं जाएं, और ऐसा भी नहीं कि आप एक बार में सोचें कि आपकी कलर फिनिश हो जाएगी। अभी जब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं तो मैं उसे डार्क कर रहा हूं ग्रीन कलर को। सैप ग्रीन को डार्क करने के लिए आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है फिर से, कि अल्ट्रा मरीन आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लू कलर, अगर आपके पास अल्ट्रा मरीन नहीं है तो आप कोवल्ट ब्लू दे सकते हैं, प्रूशन ब्लू यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा ग्राउंड एरिया का फर्स्ट कोड हो चला है। अब इसके बाद ट्रीज़ में हम सेकेंड कोड में अपना जो सैप ग्रीन कलर है वो यूज़ करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका फर्स्ट कोड का कलर भी उसमें विजुअल रहे और सेकेंड कोड का कलर भी दिखे, तभी उसका असली मजा है। अभी लेफ्ट साइड को मैं थोड़ा सा येलो या लाइट कलर रखने की कोशिश करूँगा, और राइट साइड में उसमें मैं ग्रीन डालूंगा। तो हम धीरे धीरे अपने ट्री को कम्प्लीट करेंगे। ट्री में लेफ्ट में आपको लाइट रखना है, राइट में आपको डार्क करना है, लेकिन आपको फर्स्ट कोड, सेकेंड कोड, थर्ड कोड, जितने भी आप कोड करें, आपको ये याद रखना है कि आपका पहला वाला कोड भी विजिबल रहे। अब जो रास्ता का कलर है वो मैंने जो यूज़ किया है वो येलो ऑकर कलर है। आपके पास अगर येलो ऑकर नहीं है तो आप येलो के साथ हल्का सा ब्राउन का टच कर सकते हैं, जो भी आपके पास कैडमियम येलो है, अगर आपके पास लेमन येलो है, कोई भी येलो है, उसमें आप हल्का सा ब्राउन करेंगे तो आपको येलो ऑकर कलर मिल जाएगी। अब उसमें हल्का सा मैं ब्राउन मिक्स कर रहा हूँ। ब्राउन मिक्स करके, ब्राउन के लिए आप बर्न साना ले सकते हैं, हमारे पास इंडियन रेड है, बर्न अंबर भी आप यूज़ कर सकते हो। जो रॉक की एरिया है, जो थोड़े पत्थर दिख रहे हैं, इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, अभी आपको लाइट डार्क नहीं करनी है, आपको सिंपल फर्स्ट कोट करना है। ये सबसे ईजी मेथड होता है, क्योंकि आप फर्स्ट में अगर लाइट डार्क करने जाएंगे तो उसमें स्पॉट्स आ सकती हैं, इसलिए आप सिंपली फर्स्ट कोट उस पर चढ़ा दें, उसके बाद हम उसको डार्क करेंगे। सेम कलर से हम पीछे का अपना हट को एक लाइट कलर का सेट दे देते हैं, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। ये हमारा फर्स्ट कोड कंप्लीट हो गया, ये सूख गया है, तो मैं सेकेंड कोड पर अब जाता हूँ। यहाँ मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप अपने पहले वाले स्काई से खुश हैं तो आप ये सेकेंड कोड की स्काई आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है, स्पॉट्स आती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप उसको बैलेंस कर सकते हो, मिला सकते हो, तभी आप करें। अदरवाइज फर्स्ट जो आपकी का जो आपने स्काई कलर किया है, जो कलर जैसे भी मैच किया है, उसे आप वैसे ही रहने दें। तो मैं इसको पहले, आप देखेंगे जब मैं सेकंड कोट कर रहा हूँ तो स्पॉट लगेगा। तो चूंकि ये पेपर थोड़ी थिक पेपर है, 300 जीएसएम की पेपर है, तो मैं इस पर ब्रश थोड़ा हार्ड चला सकता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बाद में उसे ब्रश चला कर थोड़ा हल्का कर दूंगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल पेपर यूज़ करते हैं तो आप ये करने ना जाएं, वरना आपकी पेपर फिर वो फटने लगेगी, उसमें स्पॉट्स आ जाएंगे। तो ये देखिए, मैं उसके ऊपर भी ब्रश चलाऊंगा, लेकिन वो चूंकि थिक पेपर है, 300 जीएसएम का पेपर है, तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आपकी पेपर नॉर्मल, जो हमारे आर्ट पेपर या चार्ट पेपर, जिसको आप जो भी बोल लें, वो मिलती है, तो उस पर आप सेकेंड कोट ज़्यादा हार्ड ब्रश ना चलाएं।
ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारी जो ट्री एरिया है जहां हम डार्क करेंगे, डार्क के लिए जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सैप ग्रीन के साथ आपको ब्लू मिक्स करना है। तो मैंने सैप ग्रीन के साथ ब्लू मिक्स कर दिया है और पीछे के जो ट्रीज हैं उनको मैं करूँगा, सामने के जो ट्रीज हैं उनको करूँगा। इस सीनरी में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है तो मैं ट्री एरिया को मैं बार बार आपको कलर नहीं बता रहा हूँ, मैं धीरे धीरे उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो याद रखना है कि मैंने येलो किया था, सेकेंड कोड में मैंने सिर्फ सैप ग्रीन किया था, ये जो हमारा थर्ड कलर कोड आ रहा है इसमें सैप ग्रीन के साथ मैंने ब्लू मिक्स किया है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है जब आप बड़ी वाली ट्रीज करें तो उसमें आपको लेफ्ट साइड में जो जिधर से आपकी सन की रे आ रही है उधर में नीचे की तरफ सिर्फ डार्क करना है, पूरे पत्तों को डार्क नहीं करना है, और जो राइट साइड में है आपको वो पूरे जो पत्ते हैं जो लीव्स हैं उनको पूरा को ही डार्क करना है, तब आपका वो लाइट एंड डार्क का एक शेड आएगा। अभी पीछे का जो एरिया है, जो छोटे छोटे ट्रीज हैं जो दूर में दिख रहे हैं, उनको मैं ज़्यादा डार्क करने की कोशिश करूंगा क्योंकि वहां पर ज़्यादा डिटेल नहीं दिखेगा। जहां भी ज़्यादा डिटेल दिखेगा वहां पर आपको लाइट एंड डार्क दोनों का कॉम्बिनेशन रखना होगा, तभी वो अच्छा लगेगा। तो ये धीरे धीरे मैं अपने ट्रीज को कंप्लीट कर रहा हूँ। पीछे की जो छोटे ट्रीज थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चली हैं, अब सामने वाले ट्रीज को मैं कंप्लीट करूंगा। ट्रीज को करने के लिए आपको हमेशा बहुत ही उसमें जल्दबाजी ना करें। और कितने लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आप कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहेंगे ट्रीज जब करेंगे, तो मेरा एक ही कहना है आप जिस ब्रश से कंफर्टेबल हो, अगर आपको लगता है आप 6 नंबर से कंफर्टेबल हो आप 6 से करो, आपको लगता है 4 से कंफर्टेबल हो 4 करो, 2 से हो 2 करो, आपको जहां जैसे ब्रश से स्ट्रोक देने में आपको सुविधा लगती है आप उसको यूज़ करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एंड रिजल्ट अच्छा चाहिए। अभी ये जो रॉक एरिया है इसमें मैं जो ब्राउन कलर है उसमें ब्लू मिक्स करके उसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। और ये ध्यान रखना है कि जो हम मुझे डार्क करना है वो राइट साइड में करना है, लेफ्ट साइड में नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड से हमको सन की रे आ रही है, तो वो याद रखना है। पूरे सीनरी में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइट किधर करना है और डार्क किधर, अभी आपका वो पूरा 3D इफेक्ट आएगा। तो देखिए रॉक्स एरिया मैंने कर दिया है, ये जो हमारे पीछे के जो छोटे से एक घर है उसको भी मैंने ऑलमोस्ट सेम डार्क कलर को कोट करके उसमें विंडो डोर्स जो भी हैं वो बना दिए हैं। और अब हम ग्रीन जो हमारे ग्रास है, ग्रास एरिया में मैं जब हमेशा आपको बोलता हूँ कि उसको आप प्लेन ना छोड़ा करें, उसमें थोड़ा सा ग्रास बनाया करें ताकि वो एक अच्छा रियल इफेक्ट लगे, क्योंकि प्लेन कभी हो नहीं सकता है ग्राउंड। तो इसलिए अभी मैं जो कोट कर रहा हूँ उसमें मैंने सैप ग्रीन में हल्का सा ब्लू मिलाया है, मैं बहुत ज़्यादा डार्क अभी नहीं करूँगा, लास्ट कोट जब मैं करूँगा तब उसमें मैं ज़्यादा डार्क करने की कोशिश करूँगा। तो धीरे धीरे एक चीज़ याद रखिए कि रॉक्स एरिया है, रॉक्स जहाँ पर पत्थर है उसके आसपास में ग्रास ज़्यादा होगी और जो नॉर्मल प्लेन एरिया है वहाँ पर ग्रास कम रहेगी। तो इस तरह से करते हुए मैं अपने ग्रास एरिया को पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। और ग्रास में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइट एंड डार्क, किधर से आपकी सन की रे आ रही है उधर में आप बहुत ज़्यादा डार्क करने ना जाएं, उधर थोड़ा सा लाइट रखें। जैसे हमारा जो रास्ता भी आपको ध्यान रखना है कि आपको किधर डार्क सेट देनी है, अभी मेरा एक प्लेन कलर है उसको मैं धीरे धीरे डार्क करूंगा। तो ये मैं ग्रास धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा हूँ। दोस्तों मैं जैसा हमेशा आपसे बोलता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा जल्दी से मिल जाए। रास्ता है उसमें जो कलर कर रहा हूँ अभी वो है येलो ऑकर के साथ, मैंने हल्का सा ब्राउन का टच किया है। ये मैं आप देखिए जिधर पत्थर है उधर से शैडो आएगा क्योंकि आपकी सन की रे उधर है, तो इसलिए उस तरफ को डार्क कर रहा हूँ ना कि राइट साइड को, क्योंकि राइट साइड में हमारी सन की रे की डायरेक्ट रे आ रही है तो उसको हमको लाइट करना है। तो ये दिमाग में रखना है क्योंकि रास्ता स्लांटेड है, तो वहाँ पर आपको कहाँ डार्क कोड है कहाँ लाइट कोड है। राइट साइड में हल्का सा मैं येलो ऑकर का ही डार्क कर रहा हूँ, उसमें मैंने ब्राउन मिक्स नहीं किया है। तो ये आपको पूरा एक 3D इफेक्ट आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सन की रे लेफ्ट में है तो शैडो कहाँ आएगा, शैडो राइट में आएगा। तो पत्थर है जहाँ पर वो स्लांटेड जो आपका ग्राउंड है तो उसका मैंने उस तरह से ये किया है। अभी हम माउंटेन एरिया में चले जा रहे हैं, यहाँ पर माउंटेन का जो कलर है वो मैं जस्ट पर्पल कलर यूज़ कर रहा हूँ। पर्पल कलर के लिए आपको याद है ब्लू और रेड, ये हम मिक्स करेंगे तो हमें पर्पल मिल जाएगा। आप इसमें अगर चाहें तो ब्लू का डार्क कलर भी कर सकते हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई माउंटेन तो रॉक्स से बना होता है तो वो तो ब्राउन होना चाहिए, लेकिन जब आप हिली एरिया में जाओगे, जब दूर के एरिया में जाओगे, तो अगर आप माउंटेन के बहुत पास नहीं हो तब आपको माउंटेन का कलर स्काई से मिक्स जैसा दिखेगा। अगर ब्लू स्काई है तो आपको थोड़ा सा डार्क ब्लू में माउंटेन दिखेगा। हाँ, अगर आप माउंटेन के करीब जाओगे तब फिर आपको पत्थर अगर दिख रहे हैं तो फिर वहाँ पर वो ब्राउन हो जाता है। तो अगर आपके माउंटेन दूर में है तो आपको याद रखना होगा आपको स्काई से मिलता जुलता डार्क कलर यूज़ करना होगा उसका।
तो हमारे स्काई में चूंकि पर्पल कलर है तो इसलिए मैं वहां पर डार्क पर्पल कलर यूज कर रहा हूँ। अगर आपको स्काई में प्लेन ब्लू पसंद है तो आप प्लेन ब्लू करेंगे, तो आप वहां पर कोल्ड ब्लू को थोड़ा सा डार्क करके यूज कर सकते हैं माउंटेन को। इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मेरी सन की रे लेफ्ट से आ रही है, तो मैं लेफ्ट एरिया को थोड़ा लाइट रख रहा हूँ और राइट एरिया को मैं डार्क कर रहा हूँ, और डार्क करके वहां मैं कुछ शेड्स दे रहा हूँ, क्योंकि एकदम फ्लैट माउंटेन तो कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमारा माउंटेन में, बस हमें नीचे याद रखना है कि हमको हल्का सा फॉगी इफेक्ट रखना है, तो वहां मैं पानी से थोड़ा सा मिला दे रहा हूँ, मैं ग्रीन में पूरा माउंटेन को टच नहीं करा रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा माउंटेन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चला है। बहुत ज्यादा इस पे आप कोड करने ना जाएं, पीछे के एरिया में आपको सेकंड थर्ड फोर्थ कोड करने की जरूरत नहीं है, आप कोशिश करें फर्स्ट या सेकंड कोड में उसको फिनिश करने का, क्योंकि उसमें उतनी डिटेल्स दूर के एरिया में आपको नहीं दिखती है। अब मैं फाइनल जो कोड है ट्रीज में, जो लास्ट कोड है, इसमें आपको सैपग्रीन के साथ ब्लू को थोड़ा ज्यादा रखना है, तभी वो डार्क आएगा। और कोशिश करें सिर्फ नीचे में, हर एक लीफ का जो पार्ट है उसके नीचे की वो लीफ जो है और वो खुल कर आए, वो ट्री आपको पूरा 3D इफेक्ट दे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने इस ट्री में करीब मोस्ट ये फोर्थ कोड मेरा जा रहा है, ऐसा नहीं है मैं चाहता तो फर्स्ट कोड में ही इसको कंप्लीट कर सकता था, लेकिन उसमें फिर वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपको पेशेंस रखनी है, पेशेंस रखते हुए आपको इस ट्री को पूरा कंप्लीट करना है, और इसको लाइट से डार्क पर जब भी आप जाएं तो फर्स्ट कोड आपकी हमेशा विजिबल हो। ये ऐसा नहीं कि आप डार्क कोड कर रहे हैं तो फर्स्ट कोड एकदम दिखे ही नहीं, तब तो वो फर्स्ट कोड करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो ये धीरे धीरे हमारा ट्री का एरिया जो डार्क एरिया है वो मैं कंप्लीट करता हूँ। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में आपको हिंदी आर्ट चैनल बहुत कम मिलेंगे, तो मेरी यही कोशिश है कि हिंदी के जरिए मैं सिंपल भाषा में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आर्ट को पहुंचा सकूं। तो इसमें आप मेरी हेल्प कर सकते हो कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इन वीडियोस को आप शेयर करो ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच सके। देखिए विदेशों में बहुत चैनल्स हैं, इंग्लिश में बहुत चैनल्स हैं जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन वो समझने में बहुत लोगों को कठिनाई हो। मैंने ये चैनल को हिंदी में रखा है ताकि बहुत जो वाटर कलर है, वाटर कलर को समझना और करना थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि आपको पेंसिल शेडिंग में जो मीडियम होता है वो हार्ड होता है, मतलब पेंसिल जो होती है वो हार्ड होती है, तो आप उसको इजिली कर सकते हो इन कंपैरिजन ऑफ वाटर कलर। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पेंसिल शेडिंग या पेंसिल कलर बहुत इजी चीज़ है, बट वाटर कलर उससे टफ होती है। तो आपको अगर वाटर कलर सीखना है या आपको मेरे चैनल से कुछ भी मदद मिलती है तो आप औरों तक ये मदद पहुँचाएँ और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि दूसरे लोग भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी इन चैनल्स को देख करके कुछ सीख सकें। तो मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, शेयर करें। तो ये देखिए ऑलमोस्ट मेरा जो ट्रीज का कलर है वो कंप्लीट हो चला है। अब मैं ग्रास एरिया में भी डार्क कलर कर रहा हूँ। डार्क कलर के लिए मैंने जैसे आपको बताया सैप ग्रीन के साथ मैं ब्लू को, ज़्यादा आप ब्लू करेंगे उतना ज़्यादा आप डार्क कर सकते हो। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि ज़्यादा डार्क करने के लिए ब्लू का ज़्यादा मात्रा रखना होगा, और अगर आपको लाइट पर रखनी है तो आप सैप ग्रीन में ब्लू की मात्रा को कम रखें, एकदम लाइट के लिए आप सैप ग्रीन यूज़ करें, और जो दूर के एरिया है उसमें आपको येलो कलर यूज़ करना है। तो इस तरह से करते हुए हमारा सीनरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चला है। तो आशा है कि आपको ये सीनरी पसंद आई होगी। अब मैं जो रॉक्स एरिया है उसमें थोड़े थोड़े डार्क्स और कर दे रहा हूँ। डार्क करने के लिए आपको ब्राउन में ब्लू मिलाना है। ये सब कुछ ब्लू के ऊपर डिपेंड करेगा आपको कितना डार्क चाहिए, तो ये आप दिमाग में रखिएगा। और रास्ता में भी जहाँ शैडो एरिया है वहाँ मैं थोड़ा सा ब्राउन को और ज़्यादा डार्क कर दे रहा हूँ, ब्राउन एंड ब्लू मिक्स किया हूँ। ब्राउन के लिए आप बर्न सैना यूज़ कर सकते हो, आपके पास बर्न टेम्पर है बर्न टेम्पर यूज़ करो। तो देखिए ये सीनरी फिनिश हो गई है, आशा है आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट सीनरी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।